कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन को हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड देट जो इज टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक एंड सिंथेटिक इम्पोर्टेंस यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन इज इक्वल ग्रामेटिकल रैंक और दूसरा हमारे पास है सिंथैटिक इम्पोर्टेंस ग्रामेटिकल रैंक का मतलब ये कि इसके जरिए से हम टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह हमारे पास अगर टू एडजेक्टिवस आएंगे तो वो दोनों एडजेक्टिव इक्वल रैंक के होंगे या अगर हमारे पास वर्ब वगैरह आएगा या कोई भी हमारे पास अदर पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो वो इक्वल रैंक के होंगे इक्वल रैंक का मतलब क्या है हम जब इस पर और डिस्कशन करेंगे तो आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा देन द नेक्स्ट थिंग इज सिंथेटिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये कि अगर उसमें पॉजिटिव की बात हो रही है तो क्या आप दूसरे हिस्से में भी पॉजिटिव जरूर लगाएंगे या आपके पास अगर नेगेटिव बात हो रही है तो क्या आप उस दूसरे हिस्से के साथ भी नेगेटिव बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है क्या क्या आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है तो अभी शायद आपके लिए तो पॉइंट्स थोड़े से डिफिकल्ट हो लेकिन अभी आप लोग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा देन द सेकेंड डिफिशन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कन्जेंशन आर यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट और मैन क्लासेज हमारे पास क्लासेज को हम मेनली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास में डिवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस पे मैं अलहदा एक लेक्चर अरेंज करूंगा जिसके ज़रिए से फिर आपका क्लासेस के बारे में जो कंसेप्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और इसके जो हमारे पास टाइप्स है आप उसको भी समझ जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली सेवन है जिसके लिए हम एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फैन बॉयज़ फैन बॉयज़ में एफ का मतलब है फॉर ए का मतलब है एंड एन का मतलब है नॉर बी का मतलब है बट ओ का मतलब है और वाई का मतलब है यर्ड और एस का मतलब है सो so. अब हम हर एक कोर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं और कहाँ पर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड और बट की अब एंड को हम यूज करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव नेगेटिव के लिए जबकि बट को हम यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए या नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अब शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए कि सर हमें जो है वो इंग्लिश में क्या कर रहे हैं मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं तो अभी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि ही इज इंटेलिजेंट डैश वेल बिहेव्ड दूसरा हमारे पास सेंटेंस आ जाए ही इज स्टुपिड डैश डल तीसरा हमारे पास आ जाए ही इज़ इंटेलिजेंट डैश एल बिहेव एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज स्टुपिड डैश एल बिहेव अब हमारे पास यहां पर फोर सेंटेंसेस है अब आपके ख्याल से इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है जी शाबाश इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव पॉइंट है और वेल well बिहेव्ड होना वेल well बिहेव्ड होना भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है इस तरह स्टुपिड होना हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है और डल होना भी हमारे पास क्या है ये भी हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है सिमिलरली इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव पॉइंट है और एल बिहेव्ड होना नेगेटिव पॉइंट है स्ट्रपिड होना हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है और एल बी होना हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास जो दो एब्जेक्टिव आए हैं वो दोनों पॉजिटिव चीज को डिफाइन कर रहे हैं और यहां पर ऑलरेडी हमने लिखा है कि एंड को हम यूज करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए तो इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि एंड को हम यूज करते हैं नेगेटिव नेगेटिव के लिए इन्हें स्टूपिड होना भी एक नेगेटिव पॉइंट है और डल होना भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे एंड फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि बट को हम यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अब इंटेलिजेंट होना पॉजिटिव पॉइंट है जबकि एल बी हैव्ड यानी बद अख्लाक होना यह एक नेगेटिव पॉइंट है इस वजह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बट सिमिलरली अगर हम इस सेंटेंस पे फोकस करते हैं यहाँ पर हमने कहा है कि बट को हम यूज करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए स्टुपड होना नेगेटिव है जबकि एल बी हैव्ड होना पॉजिटिव है इस वजह से यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा बट अब बात यहां पर नहीं रुकती अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए आबिद जान इज अ गुड टीचर और हमारे पास आ जाए के डैश ही solves द प्रॉब्लम्स of his students dusra hamari bahajai abidjan is not a good teacher he does not solve the problems of his students next sentence bahajai abidjan is a good teacher Desh, he does not solve the problems of his students. Or next comes Abidjan is not a good teacher. Desh, he tries to solve the problems of his students. Now Abidjan is a good teacher. Is this a positive point or a negative point? Hai? पॉजिटिव पॉइंट है एंड ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव है यहां पर हम कह रहे हैं कि ही इज नॉट अ गुड टीचर तो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा और फिर वो क्या करते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको भी सॉल्व नहीं करते हैं इस वजह से ये भी हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव फिर यहां पर हम कह रहे हैं कि आप एज इज अ गुड टीचर पॉजिटिव पॉइंट लेकिन हम कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स के मसाइल को हल नहीं करते तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा जबकि हम कहते हैं कि आप बेजान एक अच्छा टीचर नहीं है लेकिन उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो स्टूडेंट्स के मसाइल को हल करता है अब देखिए इससे पहले एग्जाम्पल में हमने एबजेक्टिवस पे डिस्कशन की यहाँ पर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट भी पॉजिटिव है और दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कम्बिनेशन आया है वो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव है इस वजह से यहाँ पर मैं लगा लूंगा एंड यहाँ पर इस सेंटेंस के कम्बिनेशन को अगर आप देखते दे हैं तो सेंटेंस का ये हिस्सा भी हमारे पास नेगेटिव है और ये हिस्सा भी हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कम्बिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड फिर उसके बाद अगर आप सेंटेंस के इस पार्ट को देखते दे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस का जो पार्ट है वो पॉजिटिव है लेकिन जो दूसरा कम्बिनेशन हमारे पास आया है वो नेगेटिव है तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कम्बिनेशन आएगा हम उसके लिए लगाएंगे बट और उसके बाद अगर आप सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास पहले पार्ट में नेगेटिव आया है और उसके बाद पॉजिटिव आया है तो नेगेटिव पॉजिटिव कम्बिनेशन के लिए भी हम क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे बट तो होपफुली अब एंड और बट के बारे में आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा तो ये हमारे पास बन गए हैं दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन आते हैं उसमें हमारे पास आता है और और दूसरा हमारे पास आता है नॉर और को हम यूज़ करते हैं वन पॉसिबिलिटी के लिए जबकि नौर को हम यूज़ करते हैं जीरो पॉसिबिलिटी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूँ कि अली और वली इज़ कमिंग और यहाँ पर मैं लिखूँ कि अली नॉर वली इज़ कमिंग अली और वली इज़ कमिंग का मतलब ये है कि अली और वली दोनों में से एक बंदा आ रहा है लेकिन जब मैं कहता हूं कि अली नॉर वली इज कमिंग तो फिर इसका मतलब यह कि ना तो अली आ रहे हैं और ना आपके पास वली आ रहे हैं अब लेट सपोज आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाए और वो कहते हैं कि आई थिंक ओनली वन पर्सन इज कमिंग इट मीन्स अली डैश वली इस कमिंग दूसरा आपके पास आ जाए दे सेड दैट वी कैन नॉट सेंड एनी पर्सन इट मीन्स दैट अली डैश वली इस कमिंग अब देखिए अगर आप सेंटेंस नंबर वन पे फोकस करें तो वो कहते हैं कि आई थिंक ओनली वन पर्सन इज़ कमिंग इसका मतलब ये कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आ रहा है तो हमारे पास जब वन पॉसिबिलिटी होती है तो रूल के मुताबिक हम उसके लिए यूज़ करते हैं और जबकि दूसरे सेंटेंस को अगर आप कहते हैं कि दे सेट देट वी कैन नॉट सेंड एनी पर्सन हम एक भी बंदे को नहीं बेच सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जीरो पॉसिबिलिटी है और ज़ीरो पॉसिबिलिटी के लिए फिर हम यूज़ करते हैं नॉर no. तो इस वजह से हम कहते हैं कि आई थिंक only one person is coming it means ali or wali is coming and they said that we cannot send any person it means that ali nor wali is coming ab next hamare paas jo hai wo three coordinating conjunctions rehte hain ek hamare paas hai for और दूसरा हमारे पास है so, इसको जरा समझे देखिए अगर मैं यहां पर sentence लिखू के I लिफ्ट द क्लास डेष आई वॉज नाट फीलिंग वेल आई वॉज नाट फीलिंग वेल डैश आई लिफ्ट द क्लास देखिए वही वाला सेंटेंस है लेकिन इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ शफलिंग की है यानी इस सेंटेंस के हमारे पास दो हिस्से हैं ये जो हिस्सा हमारे पास है आई लिफ्ट द क्लास ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास इफेक्ट है और आई वॉज नॉट फीलिंग विल ये हमारे पास क्या है काज है इस सेंटेंस में हमारे पास पहले काज आया है और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आया है यानी काज और इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक काम होता है जिसकी वजह से हम दूसरा काम कर लेता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैंने क्लास को छोड़ दिया या मैं क्लास से चला गया अब इसमें हमारे पास पहले इफेक्ट आया है और उसके बाद काज आया है जबकि इसमें हमारे पास पहले काज आया है और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आया है तो याद रखिए स्टूडेंट्स जब पहले हमारे पास इफेक्ट आ जाए और उसके बाद काज आ जाए तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे और अगर पहले हमारे पास काज आ जाए और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आ जाए तो फिर हम उसके लिए सो तो लगाएंगे वैसे फॉर और सो के दरमियान और भी डिफरेंसेस हैं जिसको होमवर्क के साथ साथ डिस्कस करेंगे लेकिन अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पर्सपेक्टिव से आप इतना समझें कि जब आपके पास पहले इफेक्ट आएगा और उसके बाद काज आएगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे आप उसके लिए फॉर लगाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आई लिव द क्लास फॉर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और दूसरा हमारे पास है कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सो आई द क्लास तो फॉर और सो को हम काज और इफेक्ट के लिए यूज करते हैं इसमें जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट का है अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि वो आपके पास पहले इफेक्ट आया हो और उसके बाद काज आया हो तो हम उसके लिए यूज करेंगे फॉर और अगर पहले काज आ जाए और उसके बाद इफेक्ट आ जाए हम उसके लिए यूज करेंगे सो so, लास्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दैट इज़ येट येट को हम यूज करते हैं अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस के लिए अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस अपोजिट टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि जब आप यह समझ रहे थे कि यह काम हुआ होगा और वह काम नहीं हुआ मैं अगर यहां पर कहूं द टीचर हैज नॉट अराइव येट डियर व्यूवर्स याद रखिए यहां पर येट जो है वो एज एन एडवर्ब मैंने यूज किया है लेकिन मैं पहले आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि येट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो असल में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो टीचर अभी तक आए हुए होंगे लेकिन वो टीचर अभी तक ना नहीं आए हैं तो इस वजह से हमने इसके लिए येट लगाया है यहां पर हमारे पास एक और भी कंजंक्शन है जिसको हम कहते हैं स्टिल स्टिल हमारे पास सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अब स्टिल को भी हम अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर अब अगर हम कहते हैं कि येट और स्टिल इन दोनों को हम अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन के लिए इस्तेमाल कर दें तो फिर इसके दरमियान फर्क क्या होगा बड़ा टेक्निकल पॉइंट है बड़े गौर के साथ सुने देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ

और दूसरा आपके पास हो यट अब देखिए अगर वो बंदा वेल क्वालिफाइड है और उसको जॉब नहीं मिली है तो अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन हुआ है कि नहीं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बंदा वेल क्वालिफाइड होगा उसको जॉब मिलेगी लेकिन उसको जॉब नहीं मिली जबकि दूसरे सेंटेंस में भी हमारे पास अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि अगर वो बंदा क्वालिफाइड नहीं है तो फिर उसको जॉब कैसे मिली तो यहाँ पर भी हमारे पास अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्टिल और यट तो फिर इसके दरमियान फ़र्क क्या होगा अब देखिए गौर के साथ सुने इस परस्पेक्टिव को जब आप ये समझते हैं कि यह काम होगा और वो काम ना हो जाए या वो काम नहीं हुआ हो तो फिर आप उसके लिए यूज़ करेंगे यट अगर वो बंदा वेल क्वालिफाइड है तो आपके ख्याल से उसको जॉब मिलेगी कि नहीं बिल्कुल मिलेगी लेकिन उसको जॉब नहीं मिली तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यह काम हुआ होगा लेकिन वो काम नहीं हुआ है इस वजह से हम उसके लिए यूज़ करेंगे यट ही इज़ वेल क्वालिफाइड येट ही डिड नॉट गेट द जॉब अब स्टिल इसका जो है वो क्या होगा स्टिल इसका अपोजिट चलेगा कि जब आप ये समझते हैं कि ये काम नहीं होगा और वो काम हो जाए अगर वो बंदा वेल क्वालिफाइड नहीं है या वो बंदा क्वालिफाइड ही नहीं है तो आप क्या समझते कि उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी तो अब यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस बंदे को जॉब नहीं मिलेगी लेकिन उसको जॉब मिल गई है तो फिर हम उसके लिए यूज करेंगे स्टिल तो अगर मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए रिवाइज करूं तो ये वी एक्सपेक्ट दैट ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे और ये इसका प्रैक्टिकल यूसेज था नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे एक लेक्चर डिलीवर करूंगा और उसमें हमारे पास सबॉर्डनेटिंग कंजंक्शंस और फिर उसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है उसके प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में जिस तरह यहां पर मैंने एक एक एक्सप्लेन कर दिया इसी तरह मैं वहां पर एक एक सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी ग्रामर की जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज